इस IIT का पहले कैंपस टूर देख लेते हैं, उसके बाद इसको डिटेल में जानते हैं, ठीक है। आज बात करने वाला है IIT रूपा के बारे में, जो कि ये पंजाब में देखने को मिल जाती है। अगर JEE एडवांस दे दियो और कन्फ्यूज हो यार कि कौन सा कट ऑफ कौन कॉलेज मिलेंगी या कॉलेज ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है ना, उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। उसमें IIT NIIT IIIT ये सारी चीज़ें आपको देखने को कॉलेज उसमें मिल जाती है, तो आसानी होगी। एक बार वीडियो जाकर चेक करो कि कौन सा कॉलेज कितने पर मिल जाएंगे। इससे क्या होगा कि दूसरा काउंसलिंग में आपको हेल्प हो जाएगा। जब भी आप भरोगे तो कॉलेज के प्रेफरेंस है कि अपने कट ऑफ के हिसाब से भरोगे, ठीक है ना, तो आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं IIT रूपा के बारे में, जो कि आपको ये किसी भी कॉलेज में जाने के लिए आपको पहले उसका ओवरव्यू जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है, ठीक है। एस्टेब्लिश की बात करें तो ये कह सकते हैं कि 2008 में आपको ओपन हुआ था, ठीक है। इंस्टीट्यूट टाइप की बात करते हैं गवर्नमेंट है। लोकेशन की बात करें तो आपको पंजाब में इंडिया में देखने को मिल जाती है। एग्जाम से अगर बात करते हैं JEE एडवांस से आप UG के लिए जा सकते हैं, यानी 12 के बाद जा सकते हो, और GATE जो है तो PG के लिए जा सकते हो, यानी अंडर ग्रेजुएशन से। अगर मान लो कि ड्रीम है आपका कि IIT में ही जाना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि कहीं से भी इंजीनियरिंग आप करो कोई से भी नॉर्मल कॉलेज से, उसके बाद GATE दो, उसके बाद जा सकते हो फिर IIT में, ठीक है ना। टोटल कैंपस एरिया की बात करें तो 501 एकड़ में देखने को मिल जाती है। टोटल हॉस्टल की बात करते हैं, 4 आपको हॉस्टल देखने को मिल जाते हैं। देखो ऊपर नीचे हो सकते हैं डाटा, ठीक है ना, इस पर मत करना कि 4, पर एक मिनिमम अगर बात करते हैं 4 आपको हॉस्टल देखने को। NRF रैंकिंग की बात करें, आपको रैंकिंग कोई मैटर नहीं करता, आपको 4000 से ऊपर इंजीनियरिंग कॉलेज इंडिया में देखने को मिल जाती है प्लस में, ठीक है ना। बट NRF रैंकिंग अगर बात करते हैं 200 टॉप जो कॉलेजेज है इंडिया में, उसमें से अगर बात करते 33 पे रैंक करती है, ठीक है ना, कोई मैटर नहीं करता यार रैंक, ठीक है ना। कोर्स इसमें बहुत सारे हैं, बट हम लोग सिर्फ बात करेंगे BTech के बारे में, ठीक है ना जी। अगर BTech में अगर बात करें तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी BTech के बारे में, तो केमिकल इंजीनियरिंग की अगर बात करें यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग देखने को, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिकल, मेटलर्जी, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर मैं फी लिखा हूँ तो ये हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए फी, ठीक है ना। तो इसको डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं फी के बारे में। तो फी इंस्टीट्यूट फी की बात करें, खाली आपको जो कॉलेज में जाएंगे वो फी अगर बात करें तो आपको 9 लाख रुपये लेके चलो कि आप नॉर्मल आदमी हो तो जनरल में हो तब, ठीक है। अगर SC ST हो तो ये देखने को मिल जाएगी। आपको घर के फैमिली की अगर इनकम इतने कम है 1 लाख से कम या 5 लाख के बीच में या, तो ये सब चीज़ देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। हॉस्टल फी की बात करें तो आपको 1,40,000 रुपये देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो आपको इस बात पर ध्यान रखना है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी और आपको क्या होनी चाहिए, इंग्लिश होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपको इस बात को ध्यान रखनी होगी, ठीक है ना। उसके बाद क्या होना चाहिए कि जनरल में हो तो 75%, OBC हो तो 75% मार्क्स आपको 12 में होना चाहिए। अगर SC ST हो तो आपको क्या होना चाहिए कि आपको 65% होनी चाहिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद क्या होगा कि JEE एडवांस आपको जो भी रैंक आया उससे मिला, उसके बाद आप क्या करोगे, जोसा काउंसिलिंग में बैठोगे। उसका जोसा काउंसिलिंग में बैठने के बाद आप जब भी जोसा काउंसिलिंग में हो अलॉटमेंट मिल जाती है, 7 राउंड चलती है। 7 राउंड में से आपको होने के बाद आपका क्या होगा कि कोई से भी एक राउंड में, मान लो कि दूसरे के में मिलेगी तो दूसरा राउंड में मिल जाती है, तो आपको उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कुछ भी जमा कराना पड़ता है, ठीक है ना जी। उसके बाद क्या होती है, सबसे मेन आती है किसी भी कॉलेज जाने के लिए, जब जानोगे ही नहीं कि कितने कट ऑफ आए हुए, उस कॉलेज के कितने पहले ओपन हुए थे, कितने बंद हुए थे, ठीक है ना, तो कैसे पता चले। उसके लिए कट ऑफ जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। BTech की अगर बात करें तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो 24 में जो है ओपनिंग जो हुई थी, फर्स्ट राउंड की अगर बात कर रहा हूँ, फर्स्ट राउंड में तो 2400 से ओपनिंग हुई है, ठीक है ना। BTech अगर केमिकल की बात करें तो 9000 से हुई थी, ठीक है। सिविल की बात करें तो आपको 10000 से, कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 2200 से, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल बात करें तो आपको 5000 से, इसी तरह आप पहुंच करके थोड़ी सी देख लो, ठीक है ना। उसके बाद स्कॉलरशिप बहुत सारे यहाँ पर देखने को मिल जाती है, पहुंच करके देख लो यार कौन कौन से स्कॉलरशिप है, इसके बारे में मैंने पूरा यहाँ पर डिटेल में डाल दिया हूँ, तो पहुंच करो थोड़ी सी देख लो, क्योंकि मैं लंबा वीडियो नहीं करना चाहता हूँ स्कॉलरशिप के मामले में। फिर भी एक ओवरव्यू देख देता हूँ कि अगर आप मान लो कि आपका कम फी है, मतलब आपका कम इनकम है, तो मैंने यहाँ पर बताया यही स्कॉलरशिप ज़्यादा मिलती है यहाँ पर, ठीक है ना, और बच्चे को पता भी नहीं होती, तो आप पता करके जाओ कि ये सारी चीज़ें स्कॉलरशिप के बारे में, ठीक है ना।
उसके बाद प्लेसमेंट की अगर बात करते हैं, सबसे मेन आती है किसी भी कॉलेज का प्लेसमेंट जाना। तो प्लेसमेंट की अगर बात करते हैं, यूजी प्रोग्राम के जो स्टूडेंट थे 247 आपको यहाँ पर देखने के मिले थे, पीजी स्टूडेंट जो हुए थे 115 आपको यहाँ पर दिख रहे थे। इंटीग्रेटेड यानी मान लो कि आप यूजी प्लस पीजी करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 10 बच्चे यहाँ पर। मीडियम सैलरी की बात करते आपको 20 लाख रुपये देखने को मिली गई थी, ठीक है ना। यहाँ पर 12 लाख तक यहाँ पर फिर मीडियम देखने को मिली थी पीजी के लिए। इंटीग्रेटेड की बात करते 18 लाख यहाँ पर देखने को मिली थी, ठीक है ना। यहाँ पर इस बात को एक बार ध्यान रखना कि टॉप कंपनी कौन कौन से आ रही है यहाँ पर, जैसे कि अमेजॉन, बैंक ऑफ अमेरिका, डेलर्ट, ठीक है ना, डेल, एडोबी, ठीक है ना, एचपी, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। इससे भी ज़्यादा कंपनी आती है यहाँ पर 125। मैंने यह जो टॉप है वही कंपनी का मैंने लिख दिया हूँ जो कि मुझे लगा कि यहाँ लिखनी चाहिए, ठीक है ना। इसरो भी यहाँ पर आती है, इस बात को ध्यान रखना, महिंद्रा, ये सारी चीज़ें भी आते हैं, ठीक है। तो आप बताओ क्या चीज़ छूटा क्या चीज़ नहीं। आपको कोई से भी डाउट अगर होता है तो आप क्या कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो या कमेंट में कर दो मुझे। कोई जरूरत नहीं कि मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, डायरेक्ट मैसेज करो, मैं रिप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। चलो मिलते हैं इसमें, बाय, टेक।